हेलो बच्चों गुड इवनिंग वेलकम टू बायोमेंटेस क्लासेस ऑनलाइन आज प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड लेक्चर है आज हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे <coughs> रश्मि राधे राधे बेटा इकरा वालेकुम सलाम विश्वजीत भावेश गुड इवनिंग <coughs> वेदांक गुड इवनिंग दानिश वालेकुम सलाम कंचन गुड इवनिंग चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब आंसर्स देते रहिएगा बीच बीच में बातें होंगी अश्मिता गुड इवनिंग सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपको एक बार याद दिला दूं जो जो आपको रटना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो टू यू साइन थीटा बाय जी ये याद रखने वाली चीजें हैं हाइट का याद रखो यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाय टू जी रेंज का याद रखो यू स्क्वेर साइन टू थीटा बाय जी मैक्सिमम रेंज का याद रखो यू स्क्वेर बाय जी और कब 45 के एंगल पे और पाथ का याद रखो पाथ क्या होता है वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर कॉ वो कैसा होता है ये पैराबोलिक एटलीस्ट ये सब तो याद रखो ही प्लेन के याद हो ना हो चलेगा फातिमा वाले इकरा वालेकुम सलाम टाइम का टू यू साइन थीटा बाय जी हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी रेंज का यू स्क्र साइन टू थीटा बाई जी मैक्सिमम रेंज का यू स्क्र बाई जी और एक फार्मूला और रट लेना फोर एच भी होता है और पाथ का वाईक्स टू एक्सटेन थीटा माइनस आप जी एक्स स्क्र कॉस्कोर थीटा याद होगा आपको और दूसरे तरह के प्रोजेक्टाइल में हॉरिजोनटल प्रोजेक्टाइल में जिसमें हम चीज को ऐसा फेंकते हैं टाइम का फॉर्मूला रूट में टू एच बाई जी रेंज का फॉर्मूला यू रूट में टू एच बाई जी पूरा रूट में ही है रिजल्टेंट पिटी का फ़ॉर्मूला रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा बराबर जी टी बाई यू या वी वाई बाई वी एक्स एक ही बात है वो पाँच का फ़ॉर्मूला वाई बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये भी कैसा होता है पैराबोलिक और वो जो थ्योरम्स आपको बताए थे वो याद होना चाहिए याद है बेटा ये याद है इकरा को याद है सबको याद होंगे बेटा है ना अवनीश को याद है श्वेता को याद है अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ट्वेंटी वन के भी ट्वेंटी के भी नाइनटीन के भी लेकिन ये कोई चैप्टर तो है नहीं कि हर साल आते हो प्रोजेक्टाइल के तो इसके कुछ पुराने क्वेश्चन भी मुझे लेने पड़ेंगे तब ये सेशन कम्प्लीट होगा चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आंसर भेजिए फर्स्ट क्वेश्चन ये थेरेटिकल आया है छब्बीस अगस्त सेकेंड शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स अगस्त सेकेंड शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फातिमा को भी याद है आंसर्स भेजिए अब क्वेश्चन चालू हो गए बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन जाने वाला है ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा आंसर भेजिए एक बॉम है उसे फाइटर प्लेन से गिराया जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर प्लेन के अंदर बैठा हुआ है उसे बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखेगी जो ऑब्जर्वर प्लेन के अंदर बैठा हुआ है उसे बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री कैसे दिखेगी ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ओवैस का सी श्वेता का सी वेदांक का सी स्नेहल का सी आरुष का सी शिवानी सी भविष्य सी फातिमा सी सुमन सी सी गलत है फिर से बताइए आंसर सी गलत है सी गलत आंसर है इसी साल आया है कह सकते हो मेंस में सी गलत आंसर है पहले क्वेश्चन पे ही बोल गए सही आंसर भेजिए सही आंसर भेजिए सी सबके सी चल रहे अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं भेजा सी गलत आंसर है अब दीपक का आया बी फातिमा का बी संजू का बी बी भी, भी गलत आंसर है अब भेजिए फिर से फिर से भेजिए। सुमन दास ए वेदांग के साहिल डी अश्मिता डी कृष्णा डी डी भी गलत है आंसर है ए जो ऑब्जर्वर है जमीन पे खड़ा ऑब्जर्वर उसको देखेगा पैराबोलिक पाथ और जो जैसे ट्रेन में ही कोई चीज फेंकते हो तो आपको तो ये फील होता है ना कि वो चीज नीचे गई आपको थोड़ी पैराबोलिक पाथ बनती हुई दिखती है ट्रेन से कभी केले का छिलका फेंक के देखना आपको क्या फील होगा कि वो नीचे गया इसका सही आंसर है ए बहुत ध्यान से कीजिएगा इसीलिए मैं कहता हूं मेंस के क्वेश्चन करिए ए ए आंसर है ध्यान से, ध्यान से, ए आंसर है 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 ध्यान ध्यान से से राशिद बेटा जो ऑब्जर्वर प्लेन में है, उसे देखेगा कि बॉडी नीचे गई और जो ऑब्जर्वर अर्थ से देख रहा है उसे पैराबोलिक पाथ देखेगा जो ऑब्जर्वर अर्थ से देख रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना क्लियर है तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ध्यान से रुतुजा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे आज थर्टी फर्स्ट अगस्त सब लेटेस्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसका आंसर भेजिए थर्टी फर्स्ट अगस्त फर्स्ट शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक हेलीकॉप्टर है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ये सब मेंस के क्वेश्चन है जिसे आपको करना है बुक के पुराने दुराने क्वेश्चंस मैटर नहीं करते बेटा क्वेश्चंस हमेशा नए करिए चलिए ये बताइए एक हेलीकॉप्टर है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है वी की स्पीड से और एच हाइट पर इससे एक फूड पैकेट गिराया तो हमें डिस्टेंस बताना है हेलीकॉप्टर का मैन से अच्छा आदमी ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर रहा है तो हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट गिराया आंसर भेजिए बादल कुमार का आ गया ए रवि यादव का आ गया ए शिवानी का आ गया सी गुड्डू कुमार का सी ध्यान से इकरा का ए दीपक का ए अबुद्दीन अंसारी का ए फातिमा का ए इसका आंसर है ए एक ऐसे आंसर है ध्यान से सुनो अब ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसमें हमने रेंज का फॉर्मूला याद किया है रेंज यानी एक्सिस्टेंस रेंज यानी क्या एक्स एक्सिस के लोग चला गया डिस्टेंस वेलोसिटी कितनी है वी है यू है हमने यू से रहा है यू लिख दो यू रूट में टू एच ये हमने याद किया है ये हमने याद किया है अच्छा ये वाई डिस्टेंस पे प्लेन वाई डिस्टेंस कितना नीचे आएगा पैकेट हाइट के बराबर तो y कोऑर्डिनेट है h के बराबर एक तरह से y कोऑर्डिनेट है h के बराबर एक्स कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट हाइट के बराबर है तो डिस्टेंस निकालना है मुझे डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस तो थ्योरम लगा दो एक एक्स एक्सिस के अलोंग लॉन्ग चला गया डिस्टेंस है एक वाई एक्सिस के अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस है आपने भी बताया रश्मि गुड बेटा गुड दीपक का भी आंसर सही है इस बार इब्राहिम का भी सही है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स और वाई की वैल्यू डाल दीजिए आंसर आ जाएगा तो क्या ये आपके लेवल के ऊपर के क्वेश्चन हैं बिल्कुल नहीं आपको भी इस लेवल के आएंगे बल्कि इस लेवल के आते हैं क्लियर है तो बहुत ध्यान से कीजिए खुशी एवैस का भी ए गुड बहुत ध्यान से कीजिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और ये और लेटेस्ट आ गया फर्स्ट सेप्टेंबर सेकेंड शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फर्स्ट सेप्टेंबर ये तो आता है सबको सेकेंड शिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन आज के जितने क्वेश्चन हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत छोटा आर्टिकल है तो आज के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा बेटा अपनी कॉपी में दो अलग अलग एंगल्स दिए हैं फोर्टी डिग्री भविष्य कभी आया आज के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से बेटा 42 और 48 पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं आंसर भेजिए है। आंसर भेजिए तो रेंज है आर वन और आर टू तो और हाइट है एच वन और एच टू तो क्या रिलेशन होगा क्या रिलेशन होगा आंसर सबसे पहले भेजा है जिशान ने बी सुमन ने बी विश्वजीत ने बी वेदांक बी उवैस बी संतोष बी स्नेहल बी इब्राहिम बी दीपक बी श्वेता बी फातिमा बी रुतुजा बी शिवानी बी इसका आंसर है बेटा बी बिल्कुल ठीक इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ें तो मुझे 90 मिलेगा तो रेंज तो इक्वल होगी ये तो हमें पता है 90 के एंगल पे रेंज इक्वल होती है अब हाइट कैसे डिसाइड करते हैं ध्यान से देखो साइन थीटा का ग्राफ आपको याद होगा थीटा का ग्राफ ऐसे होता है यानी ज़ीरो से 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है जीरो से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती है और तो हाइट में क्या आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी और एंगल दोनों नब्बे से छोटे हैं तो जीरो से नब्बे तक साइन की वैल्यू बढ़ती है मतलब एंगल बढ़ा तो साइन थीटा भी बढ़ा तो हाइट जो है फोर्टी एट डिग्री पे ज़्यादा होगी यानी एच टू बढ़ा होगा एच वन से एच टू बढ़ा होगा एच वन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही है एच टू बढ़ा होगा एच वन से एकरा का भी आ गया है बेटा रेंज इक्वल होगी और हाइट टू बड़ी होगी हाइट वन से हाइट कैसे डिसाइड करते हैं देख लो जीरो से नाइन्टी तक साइन इंक्रीजिंग है तो एंगल बढ़ा तो साइन बढ़ा क्लियर है इसका आंसर है बी एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है देखो मेंस का अगला कीजिए ये थोड़ा पुराना है ट्वेल्थ अप्रैल फोर्ट शेफ ट्वेंटी नाइनटीन एक शेल को फायर किया आर्टिलरी गन से इनिशियल स्पीड यू है जिससे वो उसने टारगेट को हिट किया आर के डिस्टेंस पर तो टारगेट को दो अलग अलग तरीकों से हिट किया जा रहा है दो अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं आप जानते हो तो प्रोडक्ट बताना है टी वी टू सर लास्ट वाला फिर समझा दो देखो बेटा ये वाला ज़ीरो से नब्बे के बीच में साइन बढ़ता हुआ फंक्शन होता है तो एक एंगल है फोर्टी टू एक एंगल है फोर्टी एट तो साइन फोर्टी टू छोटा होगा और साइन फोर्टी एट बड़ा होगा साइन फोर्टी टू छोटा होगा और साइन फोर्टी एट बड़ा होगा क्योंकि ये एंगल बड़ा है तो इसका साइन भी बड़ा होगा और तो हाइट में क्या आता है साइन आता है इसलिए हाइट टू बड़ी होगी 42 बड़ा है 48 से इसलिए साइन 42 भी बड़ा 42 छोटा है 48 से इसलिए साइन 42 भी छोटा होगा साइन 48 से चलिए इसका आंसर भेजिए <coughs> इसका आंसर भेजिए डी आंसर भेज रहे हैं काफी सारे बच्चे सबसे पहले किसने भेजा वो चेक करता हूँ सबसे पहले भेजा है बहुत सारे आंसर हो गए सबसे पहले भेजा है वेदांत ने फिर स्नेहल ने फिर दीपक ने फिर श्वेता ने फिर इब्राहिम ने फिर रश्मि ने फिर प्रीति कुमारी ने सुमन दासरा नेहा अश्मिता शिवानी गुड बेटा कैसे होगा देखो दो पॉसिबल इस कौन से पता है ना कि एक को थीटा पे फेंका गया होगा एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका गया होगा दोनों एंगल्स का सम कितना होता है नब्बे एक का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा टू यू साइन थी जी और दूसरे का टाइम कितना आ जाएगा टू यू साइन थीटा की जगह लिखो 90 माइनस थीटा बाई जी तो यह हो जाएगा टू यू थीटा एक एंगल अगर थीटा लेना है तो एक एंगल 90 माइनस थीटा लेना है क्लियर है निशा आरुष कुमोद सबके आंसर्स आ गए अब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा फोर बल्कि फोर मत लिखो टू ही लिखो टू यू स्क्वेर और एक टू यहाँ लिख दो टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी जी स्क्वेयर आ रहा है तो एक जी यहां लिखो एक जी यहां लिखो तो टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा तो ये आ गई रेंज तो ये आ जाएगा टू आर बाय टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है रेंज नितिश, नितिश का भी आंसर आ गया बेटा गुड निशा अब ठीक है आप ज्वाइन करो अभी से ज्वाइन करो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक घंटे में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है यह भेजिए इस पर ईयर नहीं लिखा है यह भेजिए यह 2019 का ही है शिफ्ट नहीं पता है मुझे अभी चलिए भेजिए एक ट्रेजिक है एक इक्वेशन दी है वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू दी है टू एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू दी है टू माइनस नाइन स्क्वायर तो मैं एंगल और इनिशियल वेलोसिटी बताना है कितनी कितनी है हमें एंगल और इनिशियल वेलोसिटी बताना है कितनी कितनी है सबसे पहले आंसर भेजा स्नेहल ने बी देखते हैं आरुष ने बी अस्मिता ने ए प्रीति बी और एक इक्वेशन है अश्मिता ए अश्मिता ने सबसे पहले आंसर भेजा है आंसर है ए वेदांक बी नहीं है बेटा ए है स्नेहल बी नहीं है इकरा बी नहीं है ए आएगा स्वीटी का ए आ गया ऋतुजा बी नहीं है शिवानी का ए आ गया कुमुद का ए आ गया आदित्य बी नहीं है बेटा नितेश ध्यान से समझो कुछ भी नहीं करना था इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वायर कॉस्क्वायर थीटा से इन दोनों को कंपेयर कर दो तो एंगल तो आ ही जाएगा एक्स टेन थीटा को इक्वल कर दो टू एक्स के एक्स से एक्स कट गया एन थीटा अगे टू टू यानी टू बाय वन यानी परपेंडिकुलर बाय बेस अब आंसर दिए ए आंसर है बेटा हाँ निशा का आ गया फातिमा का आ गया हाँ तो आंसर कॉस में या साइन में दिए तो ये नाइन टेंथ क्लास में आपको सिखाया जाता है कि एक आइडेंटिटी पता हो तो दूसरी आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बना लो टू का बेस बना लो वन का तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट फाइव का ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा एच स्क्वायर बराबर क्या लगा दो पी स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा रूट फाइव का अब इस ट्राइंगल कॉस्टिटा निकाल लो थीटा आ जाएगा वन बाय रूट फाइव थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज हाँ इब्राहिम सेकेंड थे आप अश्मिता ने सबसे पहले सही आंसर भेजा था तो एक से ही काम चल गया ट निकालना हो तो इसको कंपेयर कर दो लेकिन जब एक से ही काम चल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे पहला आंसर है बेटा ए क्लियर है आज जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चंस जिससे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं ए आंसर आ रहा है अगला कीजिए अप्रैल सेकेंड शिफ्ट साल है 2019 12 अप्रैल को एक क्वेश्चन आया है सेकेंड शिफ्ट में 19 दो प्रोजेक्ट आए ले सेम पॉइंट से फेंका सेम स्पीड से फेंका और रेंज भी सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है तो कौन सा रिलेशन सही होगा सेम पॉइंट से फेंका हाँ दीपक आपका भी सही था बेटा भविष्य क्या नहीं समझ में आया आपको क्या नहीं समझ में आया आपको मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं इन दोनों को इक्वल कर दो तो टेन थीटा आ गया टू जबकि आंसर कॉस या साइन में दिए हैं। तो टेन थीटा की मदद से ट्राइंगल बना लो परपेंडिकुलर बनाओ टू का बेस बनाओ वन का तो हाइपो आ गया रूट फाइव अब इसी ट्राइंगल से कॉस निकाल लो बेस बा हाइपो चलिए इसका आंसर भेजा किसी ने इसका आंसर भेजा किसी ने सबसे पहले किसने भेजा इब्राहिम ने ए अश्मिता ने भेजा फिर इब्राहिम ने अश्मिता की तैयारी बहुत अच्छी है बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इसी को मेंटेन रखिएगा आपने काफी सारे लेसन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वही है बेटा रेंज सेम है तो किस किस एंगल पे रेंज सेम होती है एक थीटा पे और एक नाइन्टी माइनस थीटा पे क्लियर है तो क्या हाइट निकालो इन दोनों एंगल्स पे तो हाइट वन आ जाएगी यू स्क्वेयर साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू जी और हाइट टू आ जाएगी यू स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा की जगह नाइन्टी माइनस थीटा बाय टू जी तो साइंस स्क्वायर साइंस नाइन्टी माइनस थीटा होता है कॉस थीटा तो हाइट टू आ जाएगी यू स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी है ना साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ए आंसर है बेटा इसका प्रीति सही करिए सी नहीं है स्नेहल दीपक इस बार गलत हो गया आपका ए आंसर है विश्वजीत का आज्ञा इकरा का आज्ञा प्रकाश का आज्ञा कुमद फातिमा आरुष स्वीटी काफी बच्चों का ए आया है ए ही आंसर है अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो U तो की पावर फोर हो गई साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय फोर जी स्क्वायर ये हो गया बेटा अब इसको जमाओ कैसे जमाओ यू स्क्वायर बाय फोर जी को तो बाहर लेख दो और एक फोर मन से इंटू करो एक तो यू फोर है ना तो दो यू बाहर ले लिए तो अंदर कितने यू बचे दो यू तो यू स्क्वायर, बल्कि यू बाहर मत लो यू फोर ही चलने दो वन बाय फोर बाहर ले लो यू स्क्वायर इसमें मन से फोर से इंटू कर दो फोर साइंस स्क्वायर थीटा कॉस्क्वेयर थीटा बाय जी स्क्वायर, ये यू की पावर फोर लिख दिया मैंने तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा तो फोर साइन थीटा ये मैंने फोर से मन से इनटू किया तो फोर से डिवाइड भी किया तो ये बाहर हो गया सिक्सटीन बाहर हो गया सिक्सटीन ये चार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ये फोर मैंने बाहर ले लिया है यू स्क्वेर साइन टू थीटा बाय जी का होल स्क्वायर ये तो रेंज का फॉर्मूला होता है तो सिक्सटीन एच वन एच टू तो निशा ऋषि ऋषि करो बेटा प्रणाम हाँ दीपक सही करा करो बेटा सही करा करो सिर्फ फिजिक्स एक ऐसा होता है जो हमारी नीट में मार्क्स थोड़े डमाडोल कर देता है तो ये सौ दिन की क्लास आपके लिए एक बूंद साबित होंगी वरदान साबित होंगी इसमें आप सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करोगे आपको पता चलेगा कि एन किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं बेटा और वही घूम फिर के आते हैं जैसे ये पुराना दोहराना क्वेश्चन है नीट में भी आ चुका है बेटा नीट में भी आ चुका है इब्राहिम की अच्छी तैयारी है फिजिक्स की टेंथ जनवरी फर्स्ट शिफ्ट नाइनटीन दो दो गाने बुलेट फायर कर रहे हैं वन किलोमीटर पर सेकेंड और टू किलोमीटर पर सेकेंड से चारों तरफ तो वो कितना एरिया कवर करेंगे उसका रेशो बताना है सबसे पहले आंसर भेजा किसने <coughs> वेदांक ने वेदांक भी आज काफी पहले आंसर भेज रहे हैं गुड बेटा फिर आरुष ने फिर सुमन ने फिर श्वेता ने फिर इब्राहिम ने दीपक ने स्नेहल ने प्रशांत ने इकरा ने गुड विश्वजीत फातिमा तो क्या करना है रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है ये जो रेडियस का काम है ये रेंज मैक्सिमम करेगी और तो क्या होती है रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी निशा सी नहीं आएगा संतोष बी आएगा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कर दो तो यू की पावर फोर बाय जी स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर तो आर की जगह r की वैल्यू डाल दी अवनीश कुमुद बी आएगा तो एरिया प्रोपोर्शनल है यू की पावर फोर के यू यानी इनिशियल वेलोसिटी तो यू वन बाय टू पूरे की पावर फोर तो वन बाय टू पूरे की पावर फोर तो वन बाय सिक्सटीन वन बाय सिक्सटीन बी आ गया बेटा ये सब आप मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल जो अभी अभी आए हैं बी हाँ दीपक सही था ये आपका और कीजिए ये हो गया बी नेक्स्ट स्लाइड आज अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे आज अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे ये कीजिए अब मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा टॉपिक है तो 19, 20, इक्कीस में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आए हैं इसमें अब ये कुछ पुराने क्वेश्चन मुझे ऐड करने पड़े क्योंकि मुझे लेक्चर कंप्लीट करना था अब ये पुराने क्वेश्चन है हैं सब मेंस के लेकिन पुराने वेलोसिटी दी है आई प्लस टू जे इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिख सकते हो आई प्लस टू जे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री बताना है आंसर भेजिए सबसे पहले भेजा शिवानी ने शिवानी ने आंसर सबसे पहले भेजा देखें सही है कि नहीं सबसे पहले आंसर भेजा शिवानी ने देखना है सही है कि नहीं फिर भेजा विश्वजीत ने फिर आरुष ने वेदांक इस बार गलत हो गया बेटा फिर नितिश ने कुमुद ने सुमन ने इकरा ने स्नेहल ने प्रशांत ने ऋषि गलत हो गया इब्राहिम का सही है स्वीटी शशांक सी आंसर है बेटा इसका सी आंसर है कैसे यू वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लो आई का कोपिशन क्या है वन तो वन का स्क्वायर जे का कोपिशन क्या है टू तो टू तो का स्क्वायर तो U का मैग्नीट्यूड आ गया रूट फाइव U का मैग्नीट्यूड आ गया रूट फाइव और फिर क्या करो वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट दिए हैं देखो वी एक्स दिया है वन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो और वी वाई दिया है टू तो टेन थीटा निकाल लो टेन थीटा कैसे आएगा वी वाई बाई वी एक्स है तो आ गया है टू क्या टू बाय वन यानी क्या परपेंडिकुलर बाय बेस अभी ट्राइंगल बनाया था सबसे पहले शिवानी ने आंसर दिया बेटा इसका ये टू रखा था ये वन रखा था ये रूट फाइव रखा था अभी बनाया था इतने डाटा है हमारे पास बहुत ध्यान से देखो हाँ दीपक ये भी सही है आपका वाई बराबर फॉर्मूला लगा दो एक्सटेंड थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर आ जाएगा वाई बराबर एक्स टेन थीटा की जगह टू तो टू एक्स हो गया माइनस आफ जी की जगह टेन लिख देते एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर यू आ रहा है रूट फाइव तो यू स्क्वायर फाइव और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो वन बाय रूट फाइव लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो वन बाय फाइव लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो वन बाय फाइव निशा का आंसर सही आ गया बेटा निशा का आंसर सही आ गया फाइव से फाइव कैंसिल टू से ये कैंसिल तो y बराबर हो गया टू एक्स माइनस एक आप कोई सी भी बुक करो कोई सा भी मॉड्यूल करो ये क्वेश्चंस करना कंपलसरी है आपको ये ध्यान रखना बुक चाहे जो यूज कर रहे हो करो मॉड्यूल जिस कोचिंग के यूज कर रहे हो करो बायोमेंटेस के आप कर रहे हैं डीपीएस वो करिए लेकिन ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं क्लियर है ये करना ही है आपको सी आंसर आ गया बेटा सी चलिए नेक्स्ट आज ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन <coughs> ये फिर आ गया ट्वेंटी वन का एक बॉय है वो किसी पत्थर को फेंक रहा है दस मीटर की हाइट तक ये कंपलसरी है सारे क्वेश्चन दीपक ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है ध्यान रखो इस लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे एक बच्चा है दस मीटर की हाइट तक बॉल को फेंक रहा है तो कितनी दूर बॉल फेंक सकता है वो बताना है जल्दी फातिमा क्या हो गया मुझे फिजिक्स अच्छे से नहीं आ रही बेटा मेरे फर्स्ट लेक्चर से आप समझने की कोशिश करो मैंने बहुत धीरे धीरे कराया है और अभी भी ट्वेल्थ बचा है पूरा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दे दूंगा एटलीस्ट आप उतना करो हाँ आंसर क्या भेज रहे हो इसका आंसर क्या भेज रहे हो बेटा इसका बॉय वाले का बॉय वाले का आंसर चेक करता हूँ सबसे पहले किसने भेजा अष्मिता ने सबसे पहले अष्मिता ने भेजा फिर इब्राहिम ने फिर भविष्य ने फिर दीपक ने स्वीटी ने वेदांक ने ऋषि फातिमा संतोष कुमुद सुमन शशांक शिवानी गुड बेटा गुड 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 पहले बॉडी को ऐसे ऊपर फेंकना है तो ये फार्मूला लगा दो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायेर प्लस टू एस फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन कितना ले लो टेन ले ले नेगेटिव में और डिस्टेंस कितना दिया ये भी टेन यू स्क्वायर आ गया एक तरह से टू हंड्रेड यू स्क्वायर आ गया टू हंड्रेड अब हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है तो मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वेयर बाय जी तो इस 200 को और 10 से डिवाइड कर दो 20 20 मीटर आंसर आएगा जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं उन नोट्स में ही आप ये क्वेश्चंस रखिए बी नहीं आएगा सोनम सी आएगा सी आएगा कुछ भी करो बेटा आप डी लगाओ किसी ब्रांड के मॉड्यूल लगाओ कोई भी बुक करो ये क्वेश्चन जरूरी हैं ये एन टी ए ने फ्रेम किए हैं बेटा तो इसे आप कैसे नहीं करोगे ये तो करना ही है ना जो एजेंसी आपकी है वही मेंस का पेपर बना रही है तो जो क्वेश्चंस उनने फ्रेम किए हैं वो आपको करना ही है हाँ दीपक आपका भी करेक्ट है इकरा सी ऋषि सी निशा सी क्लियर है चलिए आगे बढ़ रहे हैं पहले क्या करो वर्टिकली फेंक के यू स्क्वायर निकालो फिर मैक्सिमम रेंज में रख दो फिजिक्स हमें शॉर्ट तो करना ये पुराना सा क्वेश्चन है ये कर लो जल्दी अभी किया ऐसा अभी किया हाँ क्वेश्चंस नोट करना बेटा अभी आप कर लो बाद में आप टाइम निकाल के क्वेश्चंस को लिख लो कॉपी में ये तो आपको करने ही हैं क्योंकि जब हम फाइनल रिविजन करेंगे तो हमारे पास कम टाइम रहता है एक दिन में हम एक एक बुक करेंगे ध्यान रखो उस टाइम हमें यह से देखना है चलिए देखिए बेटा ये तो ओरल है आंसर भेजिए सबसे पहले वेदांत ने भेजा है बी इंतकाब, संतोष सुमन शिवानी भविष्य स्नेह इब्राहिम है ना ये तो ओरल है बेटा क्योंकि पुराना है तो इसमें जो रेडियस का काम कौन करेगा मैक्सिमम रेंज करेगी यानी यू स्क्वायर बाय जी और एरिया निकालना है एरिया इस पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर तो ये ओरल क्वेश्चन है पाई यू की पावर फोर बाय जी स्क्वायर की जगह v लिखा हुआ है तो पाई यू की पार फोर बाय जी बायर बी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी हो गए अभी आएंगे और अच्छे निशा आरुष इकरा खुशी सबके आंसर्स आ गए बी सिंपल है ये लॉजिक अभी हमने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो बार आया है देखिए क्या है ये भी एक्जेक्टली exactly हम कर चुके हैं दो अलग, अलग अलग एंगल्स पर रेंज इक्वल है सोहम फातिमा कुमद सबके आंसर बी है, ऋषि अब ये क्वेश्चन कीजिए ये क्वेश्चन कीजिए दो अलग, अलग अलग एंगल्स पर रेंज इक्वल है तो T1, T2 किसके प्रोपोर्शनल है हाँ निशा बिल्कुल मेरे हिसाब से कीजिए फिजिक्स बिल्कुल मेरे हिसाब से कीजिए मैं क्वेश्चंस तक की गारंटी लूंगा कि जो कुछ आएगा इन्हीं में से आएगा हाँ बेटा दीपक ये क्वेश्चन जरूर कीजिए हाँ तो एक एंगल हमें थीटा लेना है तो एक एंगल कितना लेना है नाइनटी माइनस थीटा तो एक का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टू यू साइन थीटा भाई जी अभी किया था बेटा ये और तो दूसरे का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टू यू साइन आंसर भेजा किसी ने आंसर तो काफी बच्चों ने भेजा होगा सबसे पहले किसने भेजा है वो देखें सबसे पहले भेजा है स्नेहल ने फिर कुमोद ने फिर प्रीति ने नितेश सी नहीं है बेटा फिर शिवानी ने फिर इब्राहिम ने बी है बी है कैसे है बी देख लो तो ये हो जाएगा टू यू को सीटा भाई जी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो तो फोर यू स्क्वेर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वेर आ गया इसको ढंग से लिख दो टू बाय जी अलग लिखो और ब्रैकेट में लिख दो यू स्क्वेर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या क्या लाता है साइन टू थीटा ये हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी तो ये आ गया रेंज के इक्वल तो T1 T2 प्रोपोर्शनल आ गया R टू बाई जी को कॉन्स्टेंट पानी है T1 T2 प्रोपोर्शनल आ गया आर के स्नेहल फातिमा आरुष वेदांक बादल भविष्य फातिमा इकरा शशांक सोनम निशा सबके आंसर सही है और ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है है ना नेक्स्ट कर रहे हैं, ये करिए ये।, ये पुराने क्वेश्चन है बेटा ये सब ऑलरेडी मुझे पता है आपको आते हैं क्या हो गया बेटा समर फातिमा फोकस बैच में कुछ टॉपिक अब नहीं हुआ तो आपने कर करा दिया तो दिख कर समझ आ जाएगा के बिल्कुल समझ पाओगे बेटा बिल्कुल समझ पाओगे हाँ दीपक ये वाला करिए एक बॉल है उसको वी नोट की वेलोसिटी से थ्रो किया है वी नोट की वेलोसिटी से भेज रहे हो आंसर आंसर भेजिए आंसर बहुत देर से नहीं आया विश्वजीत का ए आ गया, सुमन का ए आ गया, अश्मिता ए दीपक ए फातिमा ए शशांक इकरा ए बहुत अच्छी तैयारी है बेटा आप लोग की बस इसे मेंटेन रखिएगा ए आंसर है बेटा इसका ए आंसर है इसका वी नॉट की स्पीड से फेंका 60 के एंगल पे फेंका और वी नॉट की स्पीड से ये दौड़ लगा रहा है वी नॉट बाय टू की स्पीड से तो बॉल को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बताना है इब्राहिम का आ गया निशा का स्वीटी का फातिमा का दीपांशु का निशा का तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर दो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर दो तो बॉल का बॉल टी टाइम में कितना चलेगी v नॉट cos 60 है ना इंटू टी कर दो तो आदमी कितना चलेगा v नॉट बाय टू इंटू टी तो v नॉट बाय टू इंटू टी चली बॉल और v नॉट बाय टू इंटू थ्री चला आदमी तो कैच तो कर लेगा कैच तो कर लेगा एक मिनट एंगल नहीं दिया है मैं एंगल निकालना है तो v नोट बाय टू को इक्वल कर दो v नॉट cos थ्री के अगर कैच करेगा तो दोनों की ओरिजेंटल वेलोसिटी को इक्वल कर दो ए आएगा बेटा हाँ निशा नितिश सोनम थीटा आ गया सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री पे अगर वो दौड़े तो बॉल को कैच कर लेगा बिल्कुल बनना है बेटा इब्राहिम इस साल डॉक्टर बनना ही है अगला कीजिए 2003 का काफी है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ टेन मीटर हाई बिल्डिंग दस मीटर की बिल्डिंग है दस मीटर हाइट की उसकी छत पे कोई बच्चा खेल रहा है कल मैंने इस तरह का आपको बताया था और उसने थर्टी के एंगल पे चीज को प्रोजेक्ट किया दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छत पर कोई बच्चा खेल रहा है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है विश्वजीत अच्छी करेंगे बेटा अच्छी करेंगे हाँ आंसर आया आंसर आया आंसर सही आने लगे बेटा कुमुद आपका गलत हो गया है शायद खुशी स्वीटी आंसर आने चालू हुए हैं शशांक से शशांक डी स्वीटी डी विश्वजीत डी निशा डी इब्राहिम डी स्नेहल डी वेदांक बी नहीं है बेटा इकरा डी डी है फिर क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूं कि जब वो फिर से ग्राउंड ग्राउंड ग्राउं ये है ग्राउंड से वो दस मीटर ऊपर है तब उसकी रेंज बताना है ग्राउंड से दस मीटर ऊपर है मतलब जहां से उसे फेंका गया है वहीं लौट आएगी है वो जहां से उसे फेंका गया है वहीं लौट है एक तरह से हमें रेंज निकालना है कि वो कितनी दूर चली गई रेंज का फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं यू स्क्र साइन टू थी बाय थ्री लगा दो यू स्क्वेयर हो जाएगा हंड्रेड साइन सिक्सटी ग्रेविटी टेन तो यह टेन रूट थ्री बाय टू फाइव रूट थ्री मीटर होगा बेटा फाइव रूट थ्री को आप सॉल्व करोगे फाइव रूट थ्री को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा डी एट पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर फातिमा कुमोदीपक निशा इकरा सबके सही है डी 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 आंसर आएगा बेटा इसका क्लियर है आगे करिए आगे करिए ये क्वेश्चंस इजी क्यों हो गए हैं बेटा सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अब हम ये पुराने क्वेश्चन ले रहे हैं तो ये तो नॉर्मली किसी ना किसी मॉड्यूल में होते हैं अगला देखो एक स्टंटमैन है एक स्टेंट है दो बिल्डिंग है सबसे पहले दो बिल्डिंग है एक ऊंची एक छोटी तो जो छोटी बिल्डिंग है उसकी छत ऊंची बिल्डिंग से 4.9 मीटर नीचे है तो स्टंट में यहां से आया और इस बिल्डिंग पे कूदना चाह रहा है जो 6.2 मीटर ऊपर है और ये बिल्डिंग की हाइट में कितना डिफरेंस है 4.9 मीटर का तो किस स्पीड से कूदे कि वो उसकी छत पे जाके गिरे अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का दिया था ठीक है प्रशांत ने आंसर भेजा है विश्वजीत इब्राहिम इकरा निशा फातिमा पीटी संतोष अश्मिता गुड बेटा आंसर है इसका डी आंसर है इसका डी क्वेश्चन क्या है समझिए बेटा क्वेश्चन ये है यहाँ से वो किस स्पीड से दौड़े कि वो उसकी छत पे जाके गिरे तो कुछ खास नहीं रेंज का फॉर्मूला लगा दो यू रूट में टू एच बाय जी रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए सुमन स्नेहल दीपक सबका सही है रेंज है सिक्स पॉइंट टू यू निकालना है हाइट कितने नीचे आया वो फोर पॉइंट नाइन और ग्रेविटी ले लेते हैं नाइन पॉइंट एट तो नाइन पॉइंट एट से नाइन पॉइंट एट कैंसिल यू आ गया सिक्स पॉइंट टू यू आ गया सिक्स पॉइंट टू वेदांक प्रैक्टिस कीजिए बेटा बनेगी और अभी तो हम सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना पिछले 21 का पेपर छोड़ दें अगर 21 में भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही थे एक या दो थ्योरी हो तो हों बाकी थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स आते हाँ दीपक ये आपका सही है तो यू आ गया सिक्स क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं अब चार पांच बच्चे हैं ध्यान से कीजिएगा ये करिए ये भी सिंपल है एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली हमने फेंका एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका 20 रूट थ्री मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी इनिशियल वेलोसिटी से कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी इनिशियल वेलोसिटी से एक पार्टिकल को 20 रूट थ्री मीटर पर सेकेंड से फेंका भविष्य बेटा कंचन का आंसर भी आ गया खुशी दोनों का आंसर आ गया चलिए यह क्वेश्चन भेजिए आंसर भेजिए इसका इसका आंसर भेजिए इसका आंसर भेजिए सबसे पहले दीपक ने भेजा है सबसे पहले दीपक ने भेजा है बी शशांक कह रहे हैं डी सुमन बी दीपक बी भविष्य का भी आ गया दो सेकेंड इकरा का भी बी इब्राहिम का बी स्नेहल बी वेदांक बी स्वीटी टू दीपक बी आरुष बी बी है बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्वेश्चन ईजी होंगे हमने एक फार्मूला रटा है टेन थीटा इज इक्वल टू जी टी यू यह लगेगा तो टेन थीटा की जगह सिक्सटी इज इक्वल टू जी की जगह ले, ले, ले लेते हैं टेन टाइम निकालना है और यू की जगह ले, ले, ले लेते हैं ट्वेंटी बाय रूट थ्री टेन सिक्सटी आ जाएगा रूट थ्री ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल इज इक्वल टू रूट थ्री टी बाय टू ये रूट थ्री से रूट थ्री भी कैंसिल तो टाइम आ गया दो सेकेंड टाइम आ गया दो सेकेंड हाँ बेटा प्रीति निशा दीपक फातिमा सबके आंसर सही हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सिंपल होंगे क्लियर है एक आध क्वेश्चन बीच में टफ आएगा प्रशांत डी कैसे आ गया आपका कुमुथ बी देख लो सोल्व किया हुआ है चलो ये भी आसान है ये तो अभी किया है दो बिल्डिंग है एक 25 मीटर की है एक 5 मीटर की है एक 25 मीटर की है एक 5 मीटर की है एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और एक बिल्डिंग की छत से दूसरे बिल्डिंग पे है अभी किया है इस तरह का क्वेश्चन अभी किया है इस तरह का क्वेश्चन भविष्य आधे क्वेश्चन करो बेटा ध्यान से करो अभी की क्लास आपने अटेंड की इसे फिर से सुनिएगा और फिर से करने की कोशिश कीजिएगा जैसा कि मैंने बोला ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आपके लिए कंपलसरी ये तो करना ही है आंसर आगे डी आंसर आगे डी सबसे पहले किसने भेजा वेदांत ने वेदांक बिल्कुल सही दीपक भविष्य इब्राहिम डी आंसर आएगा कौन सा फॉर्मूला वही रेंज का यू रूट में टू एच बाय कितनी दूर जाना है बेटा चार यू निकालना है हाइट का डिफरेंस कितना है एक बिल्डिंग पच्चीस मीटर की है एक बिल्डिंग पाँच मीटर की है तो हाइट आपको लेना है बीस और ग्रेविटी लेना है दस और U के लिए सॉल्व करना है तो जीरो से जीरो कैंसिल टू यू बराबर फोर तो U बराबर टू U बराबर टू डी अभी एक आध अच्छा क्वेश्चन आएगा बेटा उमोदारुष आरुष अवनीश स्नेहल लिकरा निशा खुशी उमोद सबके आंसर सही हैं तो ये प्रोजेक्टाइल की लिमिट हो गई है बेटा पूरे क्वेश्चंस हो गए इसके ये करिए अच्छा क्वेश्चन है ये करिए ये अच्छा क्वेश्चन आ गया ये करिए ये अच्छा क्वेश्चन आ गया दीपक हाँ आज आपने काफी सही आंसर्स दिए बेटा पहला गलत किया था काफी बच्चों ने पहला ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था पहले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा हाँ ये बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखिए सोनम ने आंसर भी भेज दिया गुड बेटा सोनम ने आंसर भी भेज दिया डी मुकेश का भी डी आ गया देखते हैं मुकेश का भी डी आ गया निशा का भी डी आ गया गुड बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके सही आंसर आएंगे कंचन का भी डी स्नेहल का भी डी आरुष का भी डी नितिश का भी डी इब्राहिम का भी डी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ध्यान से एक सेकेंड बाद अब मैं समझा रहा हूँ आंसर है डी एक सेकेंड बाद अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन वेलोसिटी 45 का एंगल बना रही है हॉरिजोनटल से और तो तीन सेकेंड बाद तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही हो गई इसमें यह फार्मूला लगेगा टेन थीटा बराबर होता है वी वाई बाई वी एक्स प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं ऐसे तो वी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं यू प्लस ए टी होता है ना नी एक्स की जगह भी समझो यही लिखो अभी समझ में आएगा तो यू के क्या वेलोसिटी होती है इनिशियल यू साइन थीटा एक्सेलेशन माइनस जी लेते हैं अपॉन टी अपॉन इसमें यू क्या होता है ओरिजोनटल में यू कोस थीटा और एक्सेलेशन होता है जीरो तो टेन थीटा का ये फॉर्मूला आ जाता है यू साइन थीटा माइनस जी टी दीपक निशा सबके आंसर सही है दीपक के भी आज मैक्सिमम सही है तो ये फॉर्मूला आपको दो बार लगाना है ये फॉर्मूला आपको दो बार लगाना है सबसे पहले एंगल दिया फोर्टी फाइव तो यहां वन लिख देना है तो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन और तीन से एक मिनट टाइम की जगह वन रख दो टाइम की जगह वन रख दो टाइम की जगह वन रख, रख दो फिर सेम यही फॉर्मूला दोबारा लगाओ अब तो बॉडी हॉरिजॉन्टल हो गई तो एंगल तो हॉरिजॉन्टल से ही नापते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गई मतलब एंगल लेना है जीरो और टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो बराबर U साइन थीटा माइनस जी टी बायू कॉस थीटा ये लेकिन टाइम कितना लोगे अब तीन सेकेंड टाइम कितना लोगे अब तीन सेकेंड तो ये पूरा जीरो हो गया U साइन थीटा आ गया थ्री जी यू साइन थीटा कितना आ गया बेटा दिख रहा हो तो थ्री जी यू साइन थीटा की वैल्यू यहां डाल दो थ्री जी तो यू कॉस थीटा बराबर हो गया थ्री जी माइनस जी एक मिनट यू साइन थीटा कितना आ गया थ्री जी यू कॉस थीटा कितना हो गया थ्री जी माइनस जी टाइम कितना एक मिनट आफ्टर अनदर थ्री सेकेंड यानी यहां टाइम लेना है फोर बेटा आफ्टर अनदर थ्री सेकेंड यानी यहाँ यहां टाइम लेना है फोर यहां टाइम लेना है फोर तो यू साइन थीटा आ गया फोर जी तो यू कॉस थीटा हो जाएगा फोर जी माइनस जी यानी थ्री जी बहुत ध्यान से करो बहुत ध्यान से करो तो U cos थीटा आ गया 3g जी दोनों को डिवाइड कर दो चाहो तो U साइन थीटा अच्छा क्वेश्चन है बेटा 4g जी है और U cos थीटा कितना है 3g जी है तो tan थीटा तो आ गया 4 बाय थ्री टेन थीटा आ गया 4 बाय थ्री फोर बाय थ्री दो में दिया है एक मिनट तो फिर ये कैसे होगा बेटा U साइन थीटा फोर जी है बेटा फोर बाय थ्री आएगा फोर बाय थ्री यह आंसर गलती होगी देख लेते हैं अभी फोर बाय थ्री अब सवाल उठता है U कैसे निकालू दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्र कॉस्कोय थीटा बराबर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सोलह ये नौ ये जी स्क्वायर तो u स्क्वायर बराबर ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड तो u बराबर आ गया फाइव इंटू टेन तो u आ गया फिफ्टी तो u आएगा फिफ्टी और एंगल आएगा टेन इन बर्ड फोर बाय थ्री कोई दिया है क्या तो d नहीं आ रहा बेटा सी आर आई डी नहीं आ रहा सी आर आई किसी का c नहीं आया डी नहीं आ रहा बेटा एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ अपना 45 का एंगल पे का तो यू साइन थीटा माइनस जी बाई यू कोस थीटा और तीन सेकेंड एनादर तीन सेकेंड यानी चार सेकेंड हॉरिजोंटल हो गया एंगल जीरो लेना है हॉरिजोंटल से ही तो एंगल लेते हैं तो जीरो तो टेन जीरो जीरो तो यू साइन थीटा आ गया फोर जी यू साइन थीटा की जगह फोर जी लिखा तो यू कोस थीटा आ गया डी कैसे आ रहा है बेटा यू कोस थीटा आ गया थ्री जी यू कोस थीटा आ गया थ्री जी दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा आ गया फोर बाय थ्री <laughs> और स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो यू आ रहा है फिफ्टी सी आ रहा है बेटा सी आ रहा है डी नहीं आ रहा फिर से समझा दीजिए हाँ फातिमा देखो ये क्वेश्चन फिर से समझ लो बेटा मैक्सिमम बच्चों का गलत है पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक सेकेंड बाद देखो ऐसा होता है प्रोजेक्टाइल तो दिया एक सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी है इंजन ड्रॉ करके वेलोसिटी निकालो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का एंगल बना रही है और तीन सेकेंड बाद वो हॉरीजोंटली चार सेकेंड बाद वो ही हो जा रही है चार सेकेंड बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जा रही है कोई शॉर्टकट कर बताऊँ करने का टाइम पीरियड से होगा क्या मैंने टाइम पीरियड उसका आ गया बेटा लेकिन दो दो अननोन रहेंगे दो दो अननोन रहेंगे नहीं होगा एक सेकेंड बाद 45 का एंगल बना रही है दीपक ऑप्टिक्स चालू हो जाएगी नेक्स्ट वीक से बस एक दो दिन का काम बचा है तो v निकालो बेटा x डायरेक्शन में u प्लस ए टी से v y निकालो u प्लस ए टी से बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट रहता है u cos थीटा एक्सेलरेशन जीरो y डायरेक्शन में क्या होता है u sin थीटा एक्सेलरेशन माइनस जी टाइम की जगह t और tan थीटा बराबर आपने फॉर्मूले याद किया है वी वाई वाई वी एक्स होता है तो इस फॉर्मूले को दो बार लगाओ एक बार 45 के एंगल के लिए एक बार जीरो के एंगल के लिए तो जब 45 लिखोगे तो टेन फोर्टी फाइव वन हो जाएगा तो u तो साइन थीटा माइनस जी टाइम दिया है वन cos थीटा तो जब हॉरिजॉन्टल लगाओगे जीरो का एंगल लगाओगे तो टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो बराबर हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टाइम की जगह थ्री अपॉन यू कॉस थीटा टाइम की जगह थ्री नहीं लिखना है टाइम की जगह फोर लिखना है फिर मैं वही गलती कर रहा हूं टाइम की जगह फोर लिखना है इससे u साइन थीटा आ गया फोर थी इस u साइन थीटा को यहां रख दो फोर जी माइनस जी थ्री जी हो जाएगा तो U cos थीटा आ गया 3g जी दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ गया 4 बाय थ्री और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को तो U आ गया 50 अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से रिओप्टिक्स में चालू करूंगा बेटा U आ गया 50 टाइम फोर लेना है बेटा हाँ चलो इधर देखो बेटा मेरे फिजिक पे ध्यान मत दो मैं अच्छा देखता हूँ बुरा देखता हूँ कैसा देखता हूँ आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है ये और टफ क्वेश्चन है चलिए अब ये बाद में करेंगे नोट कर लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम हो चुका है ये नोट कर लीजिए आपके लिए होमवर्क है और प्लीज़ मेरे फिजिक पे ध्यान मत दीजिए जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए आपके लिए होमवर्क है। चलिए कल हम अब चालू करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन बहुत आउटडेटेड टॉपिक चार इक्वेशन होती उन उनपे सवाल बनते हैं बहुत आउटडेटेड टॉपिक है बेटा तो वही मैं करूंगा मेरा मेन टारगेट होगा कि किसी तरह पिछले तीन चार साल में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूं टॉपिक आपको आता है मैं जानता हूं ठीक है बच्चों कल तक के लिए गुड बाय